हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैपेसिटर्स। यहाँ हमारा दे रखा है क्वेश्चन, ए पेपर इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ ईच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यानी जो एरिया ऑफ ईच प्लेट्स ऑफ कॉपर ए इज इक्वल टू दे रहा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, तो 10^-2 और इसके ऊपर है स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर, यानी एरिया हमारा हो गया 10^-2 मीटर स्क्वायर, पहला स्टेप। और ये स्टेटमेंट सब हमने क्वेश्चन से ही लिए हैं स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स यानी थिकनेस ऑफ पेपर है, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में पेपर लगा हुआ है, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स उसी को थिकनेस ऑफ पेपर कहेंगे। तो थिकनेस ऑफ पेपर के लिए हमारा फार्मूला होता है डी, डी दे रखा 0.0050 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो स्टूडेंट, तो आ जाएगा 0.005 × 10^-2 meter.123। 3 place right लाइए तो −3 और हो जाएगी, यानी डी हमारा आ जाएगा 5 × 10^-5 meter। इट्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2.5, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के लिखते हैं और ये दे रखा है 2.5। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इज इक्वल टू 5 × 10^5 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम यहाँ सेंटीमीटर दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 आएगा, तो वो 100 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर नीचे है, तो 100 जो होगा वो डिवाइड का डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 5 × 10^5 × 100 वोल्ट पर मीटर। ठीक, यानी ई हमारा निकल आएगा स्टूडेंट यहाँ 5 × 10^5 इसमें और 20 इसमें, 10^7 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया स्टूडेंट, यहाँ तक ये गिवन दिया हुआ है स्टूडेंट, तो ये गिवन लिखने का नंबर होता है क्वेश्चंस में, अदरवाइज 3 नंबर क्वेश्चन है, आपने गिवन नहीं लगाया, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिया, तो आपके आधे नंबर कट सकते हैं, वो फिक्स है आधा नंबर। और गिवन लिखते हैं बहुत लोग, उसका अगर आगे आप सॉल्व नहीं भी करते हैं तो उसका भी 1 नंबर आधा नंबर दे जाते हैं टीचर। ठीक, मैक्सिमम वोल्टेज ऑन कैपेसिटर ये हमें निकालना है, यहाँ देखो स्टूडेंट, देन कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज अप टू व्हिच कैपेसिटर कैन बी चार्ज्ड। तो मैक्सिमम वोल्टेज ऑन कैपेसिटर वी इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट, हमने एक फार्मूला आपको बताया था, ई इज इक्वल टू वी बाई डी बताया था ऐसा फार्मूला। ठीक, इस फार्मूले से वी की वैल्यू कितनी आएगी, वी इज इक्वल टू ई डी होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो यही फार्मूला लगाइए, वी इज इक्वल टू ई डी, ये रफ वर्क है, इसको आप वहाँ नहीं दिखाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं, आप फार्मूला लिखिए, फिजिक्स मीन्स फार्मूला होता है, वी इज इक्वल टू ई डी। ई हमारा दे रखा है स्टूडेंट ऊपर यहाँ 5 × 10^7। ठीक, और डी हमारा दे रखा है 5 × 10^-5, 5 × 10^-5, ये 7 − 5 2 हो जाएगा, यानी वी हमारा आ गया
फाइव फाइव जा 25 इंटू 7 माइनस 2 10 टू द पावर 2, ठीक। और वोल्ट इसका यूनिट है, ठीक, ये वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, 10 टू द पावर 2 का मतलब 100 होता है, 100 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी आ जाएगा 2500 वोल्ट, ठीक, ये हमारा आंसर है। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, चार्ज पूछ रहा है तो चार्ज के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखो स्टूडेंट, कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बिटवीन द प्लेट्स होता है इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए होता है, ठीक। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, ये होता है फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो इसी से हम लगाएंगे तो चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए ई, ठीक। क्यू निकालना है तो ये इधर आएगा, मल्टीप्लाई इनके साथ हो जाएगा, वो फार्मूला यहाँ लिखा है, ठीक। इज इक्वल टू हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10 टू द पावर माइनस 12, के हमारा दे रखा है 2.5, ए हमारा दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 2 और ई हमारा दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर 7, 5 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक। इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 8.85, 2.5 और 5, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110.625 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया 12 और 2 14 हो गया माइनस का, 7 प्लस का तो आ जाएगा माइनस का 7। डेसिमल को लेफ्ट साइड में लाइए 1 2 प्लेस तो ये हो जाएगा 0.10625 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लेस इधर गया है तो माइनस का हो जाएगा 5, यानी Q इज इक्वल टू हमारा इतना कूलम आ जाएगा। नियर अबाउट में आंसर दिखाएंगे तो ऐसे आप लिख सकते हैं 1.1 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम, ये नियर अबाउट वैल्यू है, ये आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।